क्या आप अपना वीडियो खुद से एडिट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो कैसे करें, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आपके पास होते नहीं हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ और मैं उसे खुद अपने वीडियो एडिट करने के लिए इस्तेमाल में लाता हूँ। अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं आपको सीखना है तो आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि मैं उसे अपने पीसी में इंस्टॉल करूँगा और सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल में लाते हैं इसके बारे में मैं मेन टॉपिक पे बात करूंगा और दिखाऊंगा कि मैं आप अपना वीडियो कैसे एडिट करता हूं। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ आप लोगों को करना नहीं है, बहुत ही सिंपल से स्टेप हैं। आप बस आप कौन से अपना लैंग्वेज चूज कर लीजिए, हमें तो इंग्लिश में रखना है, इंग्लिश ही रहेगा। फिर आप यहाँ पे ये अपना एग्रीमेंट दिखा रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप टिक करके आगे बढ़िएगा। मैं नेक्स्ट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, फिर आगे आपका होता रहेगा। देख लीजिए हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसको पूरा इंस्टॉल होने देते हैं। मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगा, ये मैं क्रैक यूज कर रहा हूँ, इसे मैंने परचेस नहीं किया है तो इसलिए आप लोगों को भी आप देख लीजिए पूरा, बीच में स्किप मैं नहीं करूँगा कैसे इसको यूज करते हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा शोर शराबा है बाहर में, मगर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक बेहतर रिजल्ट दे पाऊँ। ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस करना चाहते हैं तो आपको मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से ओरिजिनल कॉपी इसका परचेस कर सकते हैं। ये मैं अपना क्रैक यूज कर रहा हूं। जो लोग ख़रीदना नहीं चाहते हैं, मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं कुछ, तो उन लोगों के लिए बेहतर है कि इस्तेमाल करके यूज करके देख सकते हैं, फिर उसके बाद वो अपना परचेस कर सकते हैं। तो लगभग इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। अब इसको देखिए मैं लॉन्च नहीं करूँगा, मैं लॉन्च करूँगा तो फिर आपका ईमेल आईडी वगैरह वगैरह जो भी है आपसे मांगना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए मैं इसको बिना नेट कनेक्शन के इसको मैं इंस्टॉल किया हूँ। और ये देख लीजिए हमारा जो सिस्टम पे इसका आइकन आ गया है सॉफ्टवेयर का, तो मैं यहाँ से क्रैक वाला फोल्डर खोल लेता हूं, क्योंकि मैं इसको क्रैक करके यूज करने वाला हूं और आप लोग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और ओपन फाइल लोकेशन, मैं यहां पे ओपन कर दिया। ये जहां पे इंस्टॉल हुआ है इसका पूरा डाटा यहां पे इंस्टॉल होके रख पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा क्रैक वाला फोल्डर में जो दो फाइल पड़ी हैं मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। जिस फाइल में इंस्टॉल हुआ है मैं वहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, बहुत ही आसानी से पेस्ट हो गया, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं इसको कट कर देता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और क्रैक भी है तो मुझे कुछ करना नहीं है, मैं बस अब इसको लॉन्च कर देता हूँ। देखिए क्रैकर का नाम आ गया। अभी देखिए बता रहा आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, 4GB रैम होना चाहिए, कम से कम इंटेल i3 प्रोसेसर होना चाहिए। इस तरह से आप देख पढ़ लीजिएगा,
मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। अभी सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं कुछ वीडियो आपको एडिट करके मैं बताना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत हिंट दे दूँगा, फिर आप लोग आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, ये देखिए हमारे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ ऐसा है। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पे मीडिया है, ऑडियो, टाइटल, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, एलिमेंट, स्प्लिट स्क्रीन, तो ये सब है आपका। यहाँ पे नीचे पे टाइमलाइन है, आप यहाँ पे अपना वीडियो इंपोर्ट कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से आप यहाँ पे ला सकते हैं वीडियो। आप जो भी वीडियो को एडिट करेंगे आपका यहाँ पे इस स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। तो चलिए हम कुछ वीडियो देख लेते हैं, वीडियो क्लिप। तो कुछ हमारे पास पड़ा होगा पहले से, देख लेते हैं कुछ है या नहीं। हमारे YouTube के ही वीडियो हैं तो इसको तो नहीं करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ मिल जाए। नहीं है यहाँ पे कुछ वीडियो हैं, ये देख लीजिए, मैं इसी को ओपन कर दे रहा हूँ। आपका ये फाइल ओपन होके आ गया है। अब आप इसको यहाँ पे नीचे टाइमलाइन पे ला करके रख दें। अब ये पूछ रहा है कि आपको ये वीडियो किस फॉर्मेट चाहिए, जैसे ओरिजिनल जिसका साइज है उसमें चाहिए या 1920x1080 पिक्सल में आपको चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जैसा है मैं उसको वैसे ही कर देता हूँ, मैच टू मीडिया पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया है, ये बहुत वीडियो काफ़ी छोटी है। चलिए मैं इसको भी अटैच कर देता हूँ इसमें, अभी यहाँ पे आ गया है। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, ये तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड है। तो इस तरह से मैं प्ले कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं ये आ गया। अब इसमें हम कुछ आपको और भी कुछ करके दिखाता हूँ, जैसे कुछ टूल हैं यहाँ पे देखिए, स्प्लिट का है, आप इसका शॉर्टकट की देख सकते हैं, Ctrl+V है। तो आप यहाँ से अगर वीडियो को जैसे मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ, अब यहाँ से कैंची वाला जो सीजर बना हुआ है इसका आइकन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो पार्ट में हो गया वीडियो, आधा ये हो गया आधा ये हो गया, तो इस तरह से हो गया। अब हम इसको, अगर मुझको ये पसंद नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपका ओरिजिनल वीडियो आ गया है। अब उसी तरह से आप कुछ भी यहाँ पे आप देख लीजिए, कुछ ऑडियो है जो प्री इंस्टॉल है, आपको कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आप अलग से इंपोर्ट करना चाहते हैं म्यूज़िक तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे जैसे मैं बताया था, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे फिर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। नहीं हुआ, चलिए देख लेते हैं, कोई भी म्यूजिक उठा लेते हैं, मैं एवरीग्रीन का उठा लेता हूँ और मैं यहाँ पे सीधा इस पर ड्रैग कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आ गया। अब मैं म्यूजिक का फाइल देखिए आपका नीचे यहाँ से आ गया है, आपका म्यूजिक भी शो करने लगा है। आप यहाँ से इसका वैल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद है आप रख सकते हैं। तो ये हो गए मेन टॉपिक। आप यहाँ से प्ले करके आप देख सकते हैं कि आपका वीडियो कैसा एडिट हुआ है, कैसा चल रहा है, ठीक ठाक है। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आता है आप कट कर सकते हैं। दो चीज़ें हम समझ गए, आपका ये तीसरा हो गया टाइटल। टाइटल में आप अपने वीडियो का जो भी टाइटल देना चाहते हैं उस तरह से आप दे सकते हैं, ये पूरा है। आप इसमें देख सकते हैं ओपनर, जैसे वीडियो ओपन करते हैं ओपनर बनाते हैं, वीडियो का वेलकम पेज होता है, तो उस तरह से आप यहाँ पे ओपनर पड़े हुए हैं। आप इसको देखिए तीन ऐसे ही हैं, इसको मैं सबसे आगे कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे लाके शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा ओपनर आ गया है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। तो आप अपना चैनल का या जो भी कंपनी का, चाहे जो भी आप वीडियो एडिट कर रहे हैं, चाहे वो शादी का वीडियो हो, पार्टी का वीडियो हो, आप अपने टूर पे गए हैं, या चाहे जो भी, आप अपना टाइटल अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ टाइटल ऐसे ही रख लेता हूँ।
मैं अपना ही, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। मैं कोमल विजन लिख दे रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया। इसको आप सेंटर में कर सकते हैं, इसको क्लिक कीजिए, आप इसको सेंटर में ला करके रख सकते हैं। और इसमें आपको कुछ भी एडिट करना है, जैसे इसमें एनिमेशन लाना है तो आप यहाँ से इसको ला सकते हैं। इस तरह से आपका देखिए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, कुछ इस तरह से है, देख लीजिए। इसमें ड्रॉप अप रोल है, नीचे से ऊपर तक आपका टेक्स्ट जो रहेगा ऊपर तक जाएगा। डाउन इंसर्ट है, ऊपर से हल्का सा डाउन होगा, ये देख लीजिए। तो ये हमारा टाइटल आप समझ ही चुके होंगे। मैं वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करने वाला हूँ। आप इसमें ट्रांजिशन देख सकते हैं, इसमें ट्रांजिशन दिया हुआ है। इसमें जैसे बीच बीच में क्या होता है ना, प्ले कर रहे हैं, यहाँ तक तो हमारा ओपन हुआ, इसमें बीच में जैसे आ गया तो ट्रांजिशन इसमें लगा दीजिए, मिसमैच हो जाता है वो, मतलब दो इमेजेस दो वीडियो आपस में मर्ज कर देता है तो पता नहीं चलता है। तो वही चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ढेर सारे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे दूसरा यूज़ करूँगा, स्टार शेप में है कुछ, देख लेते हैं क्या होता है इससे। देखिए स्टार शेप बना हुआ, तो स्टार में ओपन हो रहा है। तो आप लोग इसको जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना इस पर टाइम देंगे, आप उतना सीख सकते हैं, उतना ही बेहतर आप कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे इफ़ेक्ट में, इफ़ेक्ट आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कोई वीडियो है उसमें आप इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, जैसे मैं ये वाला इफ़ेक्ट ले लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और इफ़ेक्ट आने के बाद ये ब्लैक एंड वाइट टाइप का दिखने लगेगा, तो जहाँ तक ये पड़ा हुआ है आप वहाँ तक इसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं। आप इसको और थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही छोटा कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आप समझ चुके होंगे। अब एलिमेंट में आते हैं। एलिमेंट में आप जैसे बीच बीच में कोई भी सिंबल आप इस तरह से देख लीजिए, मैं ये तो डाउनलोड करना पड़ेगा, अभी नेट कनेक्शन नहीं है। ये वाला देखिए डाउनलोडेड है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ और मैं प्ले कर रहा हूँ वीडियो। ये देख लीजिए बीच में एलिमेंट आ रहा है, तो इस तरह के ये हार्ट से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग अपने से एलिमेंट इसमें यूज कर सकते हैं, एलिमेंट का साइज वाइज कम करना हो ये आप खुद से कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक किया तो आप यहाँ से इसको इस तरह से एलिमेंट हो गया, मैं इसको सेंटर में कर दे रहा हूँ, जैसे छोटा हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग सीख जाएंगे यूज करते करते। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे इस तरह से आप बने रहिए। आप अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसका कुछ ना कुछ तो हल निकालूंगा ही, कोई ना कोई सॉल्यूशन दूंगा। मगर मैं खुद से, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपना वीडियो मैं इसी से एडिट करता हूँ, और बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है, आप लोग इसे परचेस कर लीजिए। और भी बहुत ज़्यादा इसमें मिलने वाले हैं, तो क्रैक है इसमें बहुत ही, थोड़े बहुत लिमिटेशन है इसमें ज़्यादा। आप जब ख़रीद लेंगे इसको तो अनलिमिटेड इसमें इफ़ेक्ट आ जाएंगे, ट्रांजिशन आ जाएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे, हर तरह के बहुत ही अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें होंगी। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।